सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पृष्ठ संख्या 46 पढ़ेंगे। आओ कुछ करें। समान अर्थ वाले शब्द का चित्र से मिलान करो। ये किस चीज का चित्र है? आप देखो, पहला चित्र बना है यहाँ पे सूर्य का। तो आप देखो तो सूर्य कहाँ लिखा है? तो यहाँ सूर्य है, सूर्य को यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इधर देखेंगे कि सूरज है, तो दोनों ही सूर्य का समान अर्थ ही है, तो यहाँ मिला देंगे। अब ये किस चीज का है? घर। तो इधर हम खोजेंगे कि घर कहाँ है। घर तो नहीं है लेकिन गृह है, घर को गृह भी कहते हैं। और इधर इस लाइन में देखेंगे तो घर भी है, तो इसको हम मिला देंगे घर से। ये क्या है? बादल। तो यहाँ देखें बादल कहाँ है, बादल को मेघ भी कहते हैं। और इधर देखो बादल भी है, तो दोनों मिल गया। ये पुस्तक है, तो इधर देखिए पुस्तक कहाँ है, तो पुस्तक को हम लोग किताब भी बोलते हैं। और इधर देखिए इस लाइन में देखिए, देखिए पुस्तक भी है। ये समान अर्थ है, एक इसके दो अर्थ समान ही अर्थ निकलेंगे एक ही शब्द के। जैसे जल बोलते हैं तो जल को हम नीर भी बोल सकते हैं, पानी भी बोल सकते हैं, उसी तरह इसके समान अर्थ वाले शब्द है। अब ये बंदर है, तो यहाँ देखिए यहाँ बंदर है, तो बंदर से बंदर मिला है। और बंदर का समान अर्थ वाला यहाँ कहाँ है देखे, तो बानर, बंदर को बानर भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम समान अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे। समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं, जिनके एक ही शब्द के दो तीन शब्द होते हैं जिनका समान ही अर्थ निकलता है। जैसे हम सूर्य को सूरज भी बोलेंगे और सूर्य भी बोलेंगे, घर को गृह भी बोलेंगे और घर भी बोलेंगे, बादल को बादल भी बोलेंगे और मेघ भी बोलेंगे, किताब को पुस्तक भी बोलेंगे और किताब भी बोलेंगे, बंदर को बानर भी बोलेंगे और बंदर भी बोलेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि एक ही शब्द के और भी शब्द हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं। तो समान अर्थ वाले शब्द को हम एक साथ बोलेंगे। धन्यवाद बच्चों।